लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। आपको मुझे जितना धमकाना है धमका लीजिए, पर सच ये है कि ये सुजय का ही बच्चा है और मैं हर हाल में सुजय के साथ शादी करके इस बच्चे को उसके बाप का नाम दिलवाऊंगी, याद रखना आप। अच्छा, लेट्स सी सुजय किसकी बात सुनता है। सुजय के मॉम के खराब बिहेवियर के वजह से इशिता और सुजय के मॉम के बीच झगड़ा शुरू हो चुका था। पहले पहले तो इशिता चुप रह जाती थी, पर अब हर बार वो सुजय के मॉम को अच्छे से सुना के उन्हें चुप कर देती थी। ऐसे ही पूरा हफ्ता बीत गया, पर सुजय, डॉक्टर, मेरा बेटा पिछले 7 दिनों से कोमा में है, आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा तो मुझे बोल दीजिए साफ साफ, मैं कुछ और इंतजाम करूंगी। मैडम, सुजय के सर पे जो चोट लगी है कोई मामूली सा चोट नहीं है, वो काफी डीप है, इसीलिए आपको पेशेंस रखना होगा। ओह गॉड, मैं अपने बेटे को ऐसे तकलीफ में और नहीं देख सकती। सुजय के मॉम को इतना दुखी होते देख इशिता उनके पास आ गई। मैम, डॉक्टर ने क्या कहा? आप इतना परेशान क्यों हैं? सुजय ठीक है ना? नहीं इशिता, पता नहीं ये डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, मुझे पेशेंस रखने को बोल गए पर मुझसे और नहीं हो रहा। हिम्मत रखिए मैम, सुजय जरूर ठीक हो जाएगा। इशिता, पता है तुम्हें, तुम्हारा विश्वास देख के मैं बहुत स्ट्रांग हो जाती हूँ, पर बेटी, तुम पिछले 7 दिनों से यहीं पर हो, ना तो अच्छे से खाना खाती हो और ना ही रेस्ट करती हो। जाओ, घर चली जाओ और अच्छे से रेस्ट करके कल सुबह आ जाना, फिर कल मैं चली जाऊंगी रेस्ट करने और तुम यहाँ पे रात भर रहना। नहीं मैम, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं सुजय को ऐसे हाल में छोड़कर यहाँ से चली जाऊं। आप जाइए मैम, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। खुद के बारे में नहीं तो कम से कम सुजय के बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम्हें इस वक्त अच्छा खाना खाना चाहिए, आराम करना चाहिए, पर तुम तो रात दिन यहीं पर बैठ के रोती रहती हो। पर मैम, इशिता प्लीज, आई नो मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, पर बेटी, डोंट फॉरगेट कि तुम्हारे पेट में बेबी है। जाओ, तुम घर जाओ, कल सुबह आ जाना प्लीज। सुजय के लिए इशिता का इतना प्यार देखकर सुजय के मॉम का गुस्सा पिघल गया था, शायद इसीलिए वो इशिता पे और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए हमदर्दी दिखाते हुए उसे समझा बुझा कर वहां से घर भेज दिए। बेचारी लड़की कितना रो रही थी। सुजय की मॉम तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बात की। हाँ माँ, उन्हें अब समझ आ चुका है कि मैं सुजय को कितना चाहती हूँ, इसीलिए। तुम बहुत भोली हो इशिता, नम्रता को अभी तक नहीं समझ पाई। नहीं माँ, अपने बेटे को इस हाल में देखने के बाद कोई भी माँ बदल जाएगी, शायद वो मुझसे नहीं सुजय के इस बच्चे से प्यार करने लगी है। अच्छा, तो फिर सुनो, जब नम्रता हमारे साथ कॉलेज में थी, आज कॉलेज में हमारा आखिरी दिन है, इसीलिए हम सब मिलके सिनेमा देखने चलेंगे और बाहर लंच भी करेंगे। हाँ रेखा, बहुत मजा आएगा, इसके बाद हम सब अलग हो जाएंगे ना, घर वाले अपने पसंद के लड़के से शादी करवा देंगे और फिर आखिर में यही कॉलेज के दिनों को याद करके ससुराल में खाना बनाते बनाते मुस्कुराते रहेंगे हम। एकदम सही कहा तूने। पर ये नम्रता कहाँ रह गई? बोल रही थी टाइम पे पहुंच जाएगी।
पता नहीं आज वो किस लड़के के साथ घूम रही होगी। उसको छोड़ो यार, जाने दो, नहीं तो हमारा मूवी मिस हो जाएगा। ठीक है चलो हम चलते हैं। जब तीनों दोस्त मिलके मूवी देखने के बाद सिनेमा हॉल से निकले तो उन्हें सामने नम्रता खड़ी हुई मिली, और वो भी एक काफी एजेड आदमी के साथ। ओ डार्लिंग, थैंक्स फॉर दिस मूवी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मूवी से ज्यादा मजा तो मुझे तुम्हारे साथ आया। मेरी जान, मैं तुम्हारे खुशी के लिए हमेशा हाजिर हूँ, कल कहीं और चलते हैं घूमने। ओह स्वीट हार्ट। नम्रता तू यहाँ पे? रेखा डार्लिंग, आप कार के पास जाओ ना, मैं अभी आई। नम्रता तुझे तो हमारे साथ मूवी आना था, फिर तू ये अंकल जी के साथ क्यों आ गई? और तू अंकल जी को डार्लिंग बुलाती है? That's none of your business. मैं उनसे जल्द ही शादी करने वाली हूँ। नम्रता तू ये पापा के उम्र के आदमी से शादी करेगी? अरे तू तो इतने सारे अच्छे अच्छे लड़कों को पटाती थी, अब तो बुड्ढों को पटाने लगी है क्या? ओह शट अप, तुम लोगों को पता है इस ओल्ड मैन के पास कितना प्रॉपर्टी है? करोड़पति है ये, करोड़पति। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, क्या कुछ नहीं है इनके पास। इनसे शादी करके मेरी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी। पर इससे तो देख के लगता है कि इसकी शादी 20 साल पहले हो चुकी होगी। हाँ हुई थी, दो बच्चे भी हैं, पर अभी ये अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लिए, क्योंकि मुझसे शादी जो करने वाले हैं। क्या तू अपने फायदे के लिए उनका बसा बसाया घर तोड़ दी? ओहो शट अप, बकवास बंद करो। वैसे भी कॉलेज खत्म हो चुका है, अब हम दोस्त नहीं रहे। कभी फ्यूचर में बाय चांस मिल गए तो हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क होगा, और तुम सब मुझे मैम बुलाओगे, मैम। डू यू गेट दैट? सुजय की मॉम इतनी गिरी हुई औरत है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। हाँ बेटी, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, उस पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो जो भी हो माँ, मैं कल सुबह होते ही फिर से हॉस्पिटल चली जाऊंगी और वहीं पर बैठ के सुजय के होश में आने का इंतजार करूंगी। सुबह हो गई और इशिता तैयार होकर हॉस्पिटल निकली। वहां पे वो सुजय के वार्ड में पहुंचकर देखी कि वो वार्ड पूरी तरह से खाली था, वहां पे कोई नहीं था। सिस्टर, सिस्टर सुजय कहाँ है? उनको घर भेज दिया गया है। घर भेज दिया? पर वो तो कोमा में था, फिर? मैडम जाइए उनके घर पे मिल लीजिए, मुझे अलग काम है। इशिता बिना देर किए सुजय के घर पहुंची। ये क्या हो गया? ये सब क्या है? मैम आप रो क्यों रही हैं? सुजय कहाँ है? मैडम सुजय साहब अब नहीं रहे, डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए, इसीलिए कल रात को ही। ये नहीं हो सकता, मेरा सुजय मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।